Hi friends, welcome to my today's series. Today I will do the exercise 1.1, question number 1 to 6 of Maths Park, Book 8 of Indianica Learning, Revised Edition. Okay, so friends, let's start. So, सबसे पहले अब ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर. सो हमने हर एक रेशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स लिखना है. फर्स्ट 3/7. सो देखो फर्स्ट है 3/7, सो इसका हम क्या लिख देंगे, -3/7. बी है -2/9, इसका क्या लिख देंगे, 2/9. सी है -11/20, इसका क्या देगा, 11/20. 4/5 का देगा, -4/5. देखो एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि हम साइन चेंज कर देते हैं, अगर माइनस होता है तो उसको प्लस और अगर प्लस तो माइनस. वैसे ही अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. सो इसके फोर पार्ट्स है. फर्स्ट पार्ट 2/11 प्लस -2/11 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू -2/11 प्लस 2/11. सो देखो 0 कहाँ पर आता होता है, अगर हम किसी नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स से प्लस करें सो हमारा आंसर 0 आता है. सो इसका आंसर है एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है ये. बी पार्ट 8/17 प्लस 3/14 इज इक्वल टू 3/14 प्लस 8/17. सो इसका आंसर है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. सी पार्ट 2/9 प्लस -1/4 प्लस 3/7 इज इक्वल टू 2/9 प्लस -1/4 प्लस 3/7. देखो ब्रैकेट का चेंज है, सो ये किस प्रॉपर्टी में होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में. वैसे ही डी पार्ट 3/4 प्लस -5/6 प्लस 7/3. सो ये है, ये दोनों ब्रैकेट में है. एंड 3/4 प्लस -5/6 प्लस 7/3, ये इसमें ये दोनों ब्रैकेट में है. सो इसका आ जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. थर्ड क्वेश्चन, वेरीफाई दैट -x इज इक्वल टू x फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. सो फर्स्ट में x दिया गया है -2/7. सो देखो हमने वेरीफाई करना है, LHS और RHS ले लेना है. सो -x इज इक्वल टू एक्स. सो क्या करना है कि देखो माइनस इसमें पहले से ही था -2/7 में, सो हमने -2 और लगा दिया, उसके साथ 2 तो कट हो गए, 1 माइनस बच गया, इधर था -2/7 RHS की तरफ, यहाँ पर -2/7, यहाँ पर भी -2/7, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड. अब आगे है बी पार्ट, LHS और RHS हमने ले लिया है. बी पार्ट में हमें क्या दिया गया है, x इज इक्वल टू 3/13. सो देखो अब -x इज इक्वल टू x. सो -3/13, 3/13 है RHS की साइड पे, यहाँ पर आ जाएगा 3/13, यहाँ पर भी आ जाएगा 3/13, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड. फोर्थ क्वेश्चन, वेरीफाई द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स. सो इन रेशनल नंबर्स के लिए हमने क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन चूज करना है. सो देखो इसमें क्या होता है प्रॉपर्टी में, इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड और एक्स और वाई हो रेशनल नंबर्स, सो जेड भी एक रेशनल नंबर होना चाहिए, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी मानी जाती है. जैसे कि 11/3, 13 एंड -5/3. सो इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो हमारा आंसर रेशनल नंबर आना चाहिए. जैसे कि प्लस माइनस के तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 11/13 -5/3, इसका एलसीएम निकाल ले 39 आ गया, 33 -65/39. सो ये आ जाएगा -32/39. सो देखो -32/39 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, सो इसके लिए हैंस प्रूव्ड. अब आगे बी पार्ट, बी पार्ट में क्या है, -4/7 एंड -2/7. सो इसमें क्या होगा, प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस, -4 -2/7. सो ये आ जाएगा -6/7. सो -6/7 भी एक रेशनल नंबर है, सो इसके लिए है, इसका भी आ जाएगा हैंस प्रूव्ड. सो अब आगे ये है फिफ्थ क्वेश्चन, वेरीफाई दैट a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. सो a पार्ट है a इज इक्वल टू 3/7, b इज इक्वल टू -1/5. सो देखो ये हमारा फॉर्मूला है. सो a LHS और RHS हमने दो साइड से ले ली, a प्लस बी और b प्लस ए. 3/7 प्लस -1/5, -1/5 प्लस 3/7. सो 3/7 -1/5, -1/5 प्लस 3/7. सो 15 -7/35, -7 प्लस 15/35.
सो ये आ जाएगा 8/35, यहाँ पर भी आ जाएगा 8/35, ए प्लस बी, बी प्लस ए, सो दोनों इक्वल है, सो हैंस प्रूव्ड। अब आगे है बी पार्ट इसका ही, सो इसका बी पार्ट क्या है, ए इज इक्वल टू -2/9, बी इज इक्वल टू -4/3। सो देखो LHS ले लिया, एक साइड पर RHS ले लिया, ए प्लस बी और बी प्लस ए ले लिया, -2/9 प्लस -4/3, -4/3 प्लस -2/9, सो -2/9 -4/3 कर दिया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एंड -2 -12/9, यहाँ पर भी -12 -2/9, सो हमारा आंसर आ जाएगा -14/9, यहाँ पर भी आ जाएगा -14/9, सो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, हैंस प्रूव्ड। सो अब आगे ये है 6th क्वेश्चन, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक दैट ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, सो फर्स्ट ए पार्ट, ए इज इक्वल टू 4/3 एंड बी इज इक्वल टू 2/5, सो ए माइनस बी इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, ये हमने प्रूव कर रहे, सो LHS हमने ले लिया ए माइनस बी एंड RHS ले लिया बी माइनस ए, सो 4/3 -2/5, 2/5 -4/3, 20 -6/15, 6 -20/15, यहाँ पर आ जाएगा 14/15 और यहाँ पर आ जाएगा -14/15, सो इसके कारण LHS RHS के नहीं इक्वल है, सो हमने हैंस प्रूव्ड। अब आगे है बी पार्ट, बी पार्ट क्या है, ए इज इक्वल टू -6/7, बी इज इक्वल टू -3/8, सो देखो हमने LHS साइड पर ले लिया ए माइनस बी, RHS पर ले लिया बी माइनस ए, सो -6/7 -3/8, और दूसरी साइड पर -3/8 -6/7, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो -6/7 +3/8 ये आ जाएगा LHS पर, और RHS पे आ जाएगा -3/8 +6/7, सो अब इनका LCM निकालिए, LCM आ जाएगा 54, सो -48 +21/54, -21 +48/54, सो ये आ जाएगा एक साइड पर LHS साइड पर आ जाएगा -27/54 एंड RHS साइड पर आ जाएगा 27/54, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो हैंस प्रूव्ड। सो आज की वीडियो को इतना ही, मैं आपसे कुछ नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।